मिर्ची नहीं खा गए, वो गई तू खा गई, ये सांप निकल गए, अगर गई तो गई कहाँ है, ये क्या जुगाड़ है, है? ये कौन जा रहा है, लगता है मेरी चीनी यही लेके जा रहा है। अबे रुक, अबे रुक रुक, ये क्या मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गया, आराम लगा मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गया, चीनी तो चुरा रही है लेकिन पार गल ले गई है, क्यों चुराई है भाई, इधर मेरी बात सुन, आज मैं तुझे पुलिस के हवाले करता हूँ। नहीं नहीं भाई मेरी बात सुन, पुलिस के हवाले ना करे, तू चल मेरे पे चल, आज मैं तेरे साथ करता क्या हूँ देख, क्यों बता भाई तूने चीनी क्यों चुराई है। क्यों रो रहा है भाई, मेरी एक मजबूरी थी। क्या मजबूरी थी, असल ये थी अस्सलामुअलैकुम चाचा रफीक बेटा। वालेकुम अस्सलाम चाचा जी, 2 किलो चीनी के दें। ठीक है बेटा अभी दे देता हूँ, कोई मसला नहीं। ये लो बेटा। ठीक है चाचा मैं चलता हूँ, पैसे तेरे बाप ने देने हैं। चलता हूँ चाचा, मेहरबानी करें मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने तुम्हारे बेटू का ठेका उठा रखा है, पहले भी आपने 3,000 रुपए देने हैं। चाचा रफीक आपका अगला पिछला बकाया मैं चुकता कर दूंगा, गर्मी की वजह से मजदूरी नहीं मिल रही, जब तुझे मजदूरी मिल जाए तब आना, अब निकलता बन, चीनी यहाँ रख दे। नहीं नहीं चाचा रफीक ऐसा ना करे, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे धक्के मार के बाहर निकालना पड़ेगा, चल दफा पहुंच जा। अस्तगफुरुल्लाह भाई हमें माफ कर दे, ये आप 1,000 रुपया भी रखें और चीनी भी आप रखें, अल्लाह आपका भला करे, सलामत रहे। ठीक है भाई।